माशाल्लाह जी, सुबह सवेरे के टाइम है, माशाल्लाह सब लोग जो है उठ रहे हैं। और बादल वैसे वैसे खड़े हैं, कहीं नहीं गए। रात को बारिश तो नहीं आती, लेकिन बादल खड़े रहते हैं। और जब बारिश आती है रात को ठंड भी लगती है, और हमने इसलिए कूलर पंखा लगा लिया। ठंड लगती है तो कूलर पंखा चलाते हैं, मज़ीद ठंड लगती है। तो ये बच्चे जो है ना, ये देखे सारे रजाइयाँ ओढ़ के सोए हुए हैं। और बारिश में मच्छर भी निकल आते हैं, इस वजह से जो है पंखा लगाना पड़ा। फिर रात को 2-3 बजे ठंड हो जाती है, फिर रजाइयाँ ओढ़ के सो जाते हैं। और सवेरे सवेरे अम्मी आई हैं दूर निकालने। सुबह 24 घंटे देखो दूध निकालते रहते हैं। और सुबह सुबह जो है ये बकरियों का दूध इस्तेमाल होता है चाय में, क्योंकि वो जो है गायें थोड़ी लेट हो जाती हैं, इसलिए मतलब ये इनका दूध जो है ना, ये बच्चे नहीं पीते, ये ज़ाया ना हो, है ना। हाँ जी, जिनके बच्चे नहीं है ना, फिर उन्हें का दूध निकाल दो। अभी तो और वो भी खेत सुखा गया, ख़त्म कर गया, सूख गया। हाँ जी, फिर से उनको तो सारा दिन बारिश थी, बेचारा चरिया भी नहीं, आज तो दूध बहुत कम है। और वो देखे वो दरख्त है जो कल बारिश में गिर चुका था, सारी टहने जो है टूटी पड़ी हैं। और वो छोटा बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है मास्टर के साथ। और इसके बाद पानी जो जमा होता है बारिश का, वो ये है, अभी थोड़ा सूखा हुआ है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा था। इसमें बच्चों ने खूब शरारतें की, खेले कूदे नाचे झूमे मौजे की। और इधर से माशाल्लाह सुबह सुबह का नज़ारा, माशाल्लाह जी। आटे वाले भी आ चुके हैं, आटा लेकर वो देखे थाल रखा हुआ है। और वो चाय पीने वाले भी आए हैं, चौकी सेट के डेरे जमाए बैठे हैं, कब चाय बनेगी और हम पियेंगे। हाँ जी, और इधर जो चाय बनाने वाले ओनर भी बैठे हैं, जिनका डेली काम होता है यही चाय वाला। मतलब सुबह सवेरे उठ के ना, हैं, सुबह सवेरे उठ के आपका यही काम होता है, सिर्फ चाय वाला सुबह सुबह। सुबह सुबह नमाज पढ़ना, उसके बाद है, मतलब काम की बात कर रहा हूँ। काम यहाँ सुबह सुबह यही चाय, डेली चाय बनाते हैं। हाँ, सबको जगाना होता है ना, इसलिए अभी चाय बनेगी, सब उठ जाएंगे, फिर सब पियेंगे, अपने अपने काम करेंगे, गाय को जंगल में छोड़ आएंगे, और प्लेटें सीधी करेंगे, प्लेटें की सफाई करेंगे, और बकरियों को निकालेंगे। चाय बनती है तो उठते हैं ना। और इनके जिम्मे लगाया है आटा? जिम्मे नहीं लगाया, मैं चाय बना रही होती हूँ, वो आटा गूंद लेती है, और रिजवाना जो है तंदूर जला लेती है, फिर रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, टाइम से बना लेते हैं, फिर बकरियों के साथ जाते हैं ना, फिर रोटी खा के जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारे देखने वाले साहब, कैसे हैं? और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, हमारे घर में भी सब ठीक है। तो सुबह सुबह का टाइम है, हमारा लोग जो है शुरू हो चुका है, तो अभी जो है बादल बहुत सारे बने हुए हैं, इधर से जो है बहुत सारे बादल बन गए हैं, लगता है फिर से बारिश आने वाली है। कल से जो है बारिश जो शुरू हो चुकी है, रात को भी ऐसे रिमझिम थी और बादल भी थे, अभी तक भी बादल खड़े हुए हैं, पता नहीं अभी बारिश फिर आती है कि नहीं आती, ये तो पता नहीं है। जो मौसम बना हुआ है ना, बहुत ही खूबसूरत है, लगता है आएगी बारिश, ज़रूर आएगी। मैंने दूर निकालना शुरू कर दिया है, वो देखें एक गाय का जो है निकाल लिया है, अभी दूसरी गाय का।
और सब कहते हैं कि दूध जो है ना दिखाया करें, नज़र लग जाती है, लेकिन मैं दूर से तो दिखा रहा हूँ ना, जैसे अभी खड़ा हूँ, निकलता हुआ मैं दिखा सकता हूँ लेकिन दूर नहीं दिखा सकता। बाल्टी में अभी ये निकाल रहे हैं, ये मैं दिखा सकता हूँ। और ये मुर्गी जो अपने बच्चों का पेट पाल रही है, सुबह सुबह ही आ गए हैं चुगने। वो देखिए कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं, और ये माँ जो है इतनी नाजुक दिल होती है कि किसी बंदे को भी करीब नहीं आने देती, और बच्चों की इतनी केयर करती है, जब तक ये बड़े नहीं हो जाते इनके साथ ही रहती है, किसी भी चीज़ को करीब नहीं आने देती। इसकी निगाहें जो है ना बहुत तेज होती हैं, तो अभी मैं इतनी दूर खड़ा हूँ फिर भी वो परेशान हो रही है कि इधर ना आ जाए, मेरे बच्चे ना उठा ले, इसलिए भागी जा रही है। वो हमारा घर खड़ा है सामने, और इस साइड जो है आपको अभी फसलें और खेत नज़र आएंगे। इनकी लोकेशन जो है बहुत ही कमाल लग रही है आज, के मौसम के हिसाब से जो है हर चीज़ में रौनक आ जाती है, और यहाँ हमारे इलाके में रौनक आ चुकी है। ये देखें माशाल्लाह फसलें, आबादियाँ, खेत, कपास, माशाल्लाह हरियाली, सर सब्जा। और इसके मुताबिक मैं आपको एक बात भी बताता चलूँ, क्योंकि नुकसान हो रहे हैं, एक हफ्ते से जो है यहाँ पर बारिश लगातार जारी है, और जो भी ये कपास फल फूल उठाते हैं आप देख सकते हैं कि जो भी फल फूल उठाते हैं यहाँ से गिर जाते हैं, मतलब कपास का जो है बहुत सारा नुकसान हो रहा है। आप सब ने दुआ करनी है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक बारिश दे लेकिन खैर की दे, फसलों का जो है नुकसान ना हो। बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, और बाकी जो है लोकेशन आपको कैसी लगी, माशाल्लाह मुझे तो ब्यूटीफुल नज़र आ रही है, इतने कमाल लोकेशन जो है गाँव में ही मिलती है, क्योंकि शहर की जो ज़िंदगी है ना वो भी मैं जानता हूँ, और विलेज की जो ज़िंदगी है वो भी मैं जानता हूँ। अभी आपसे शेयर करने वाला एक मुख्तसर सी बात आपने गांव से सुनना है। गांव की लाइफ में जो है हर एक चीज़ की सहूलियात मुयसर होती है, क्योंकि शहर वाले ज़िंदगी जो है यहाँ नहीं होती। गांव वाली जो सहूलियात है वो हर एक चीज़ मुयसर होती है इंसान को, मतलब कि मिसाल के यहाँ पर इंसान ज़मीन कहीं भी ले सकता है, खुले फिजा में सांस लेने के लिए कहीं भी ज़मीन का टुकड़ा ले सकता है, ख़रीद सकता है और वहाँ पर अपनी जगह बनवा सकता है। और सबसे पहले बात जो है उसमें तो है गांव में लोकेशन जो अच्छी आती हो तो वहाँ पर जो है जगह बनवा लेता है। उसके अलावा गांव में रहने के जो और ख़ूबियाँ हैं वो भी अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो है सबकी ज़मीनें जो है वो अपनी होती हैं, उनके नाम पे रजिस्टर होती हैं, और जो भी बंदा चाहे मतलब जिस चीज़ का भी दिल चाहे वो उगा सकता है अपनी ज़मीनों में। कपास हो गई, फसल हो गई, सूरजमुखी हो गई, और भी घास हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि इंसान उगा सकता है। और यहाँ पर यह भी सहूलियात हो जाती है कि अपने वो साल का जो है ख़र्चा इकट्ठा कर लेता है, उसको जो है अगले आने वाले ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। एक जो है खूबी ये है, और दूसरी खूबी जो है यहाँ पर सब्जियाँ जो हैं वो बिल्कुल ताज़ा फ्रेश भी मिल जाती हैं, क्योंकि हर बंदे ने यहाँ पर ज़मीनों में अपनी उगाई होती हैं। ये भी फ़ायदा है कि दुकानों से जो है वो कम तर लेते हैं, अक्सर जो है वो अपनी खेतों वाले सब्ज़ी यूज़ करते हैं, ये भी एक फ़ायदा हो गया। और गांव में जो है यहाँ पर इंसान बीमार भी नहीं होता, मतलब खुली फिजा खुली हवा में वो सांस लेता है, सारी बीमारियाँ जो हैं दूर हो जाती हैं उसकी, और ऊपर से मौसम भी माशाल्लाह कमाल बन चुका है। आज लगता है फिर सूरज निकलने के चांस हैं। और यहाँ पर जो है मतलब हर एक चीज़ की सहूलियात मुयस्सर होती है, और गांव में जो है किस चीज़ की कमी होती है जिससे बंदा परेशान होता है
वो ये बहुत ही अहम ज़रूरियात वाली चीज़ें हैं जो कि यहाँ गांव में मुयस्सर नहीं होती। जैसे कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हो गया जी सिग्नल का टावर, मतलब नेटवर्क जो है यहाँ कम आता है गांव में। लोग परेशान होते हैं कि कॉल करें तो कॉल भी अच्छे से नहीं हो पाती। और दूसरी जो इसको परेशानी होती है गांव में वो है अपना बिजली वाली, क्योंकि बिजली जो है कहीं कहीं होती है, कहीं इलाकों में होती भी नहीं है, और कोई उसका सिलसिला भी नहीं होता कि बंदा लगा सके। अब देखें वहाँ पर जो है खम्भे आपको नज़र आ रहे होंगे वो दूर दूर तक, और उधर जो है आबादी बहुत ज़्यादा है इस साइड पे इंसानों की आबादी, तो इसलिए उधर जो है बिजली की सहूलियात मौजूद है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ तक जो है बिजली आई हुई है और इधर जो है हमारे घरों तक खम्भे नहीं पहुँचाए उन्होंने, मतलब कि यहाँ हमें ये सहूलियात मुयसर नहीं हो रही है गाँव में कि हम अपनी बिजली लगवा सकें। और एक तो ये हो गई, दूसरी जो है वो सिग्नल टावर वाली, और तीसरी जो है वो होती है सड़क वाली। मिसाल के तौर पर शहर में जो है हर एक छोटे बड़े कोने से लेकर जहाँ भी टुकड़ी जाती है ना ज़मीन की, वहाँ पर सड़कें बनी होती हैं। लोगों ने अपने घरों के गेट तक सड़कें बनाई होती हैं, वहाँ पर जो है ये सारे चीज़ों की सहूलियात मौजूद होती है। लेकिन यहाँ हमें सड़क जो है कोई नहीं दे रहा, यहाँ हमें रेत से गुजर के जाना पड़ता है, और उसके आगे वो दूर दराज जो है एक सोलंग शुरू होती है। सोलंग क्रॉस करके फिर जो है जहाँ पर शहरी माहौल लगता है वहाँ पर जो है इन्होंने सड़कें तैयार की हुई हैं। और तीसरे जो है वो होती है पानी वाले मुश्किलात। यहाँ पर जो है रेगिस्तान वाला इलाका है तो पानी जो है यहाँ पर कड़वा होता है, हर जगह मीठा जो है वो ढूंढना पड़ता है, इसलिए जाना पड़ता है दूर से पानी लेके आना पड़ता है, ये भी मुश्किलात है। पहले मैंने आपको गांव की जो है खूबियाँ बताई हैं, और अभी जो है मैं गांव की आपको मुश्किलात बता रहा हूँ। सहूलियात भी हैं, मुश्किलात भी हैं। तो एक और अहम सवाल जो कि गैस वाला, गैस जो है गांव में बिल्कुल मुयस्सर नहीं होती, शहरों में तो हर घर में गैस होती है, हर घर में, लेकिन यहाँ पर किसी के घर में भी गैस नहीं होगी। इस वजह से यहाँ पर जो है लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इंसान जाता है अपने कपास की भी लकड़ी रख सकते हैं, ये जो लकड़ी बन रही है ना ये भी रख सकते हैं, और जंगल में भी जाता है इंसान तो वो भी अपनी जो है लकड़ियाँ लेके आता है। तो ये थी जी गांव की और शहर की स्टोरी। शहर में जो है हर एक चीज़ की सहूलियात मौजूद होती है, आपको पता है, और आप सब भी देखने वाले शायद 100 में से 80% जो है लोग हमें देखने वाले वो शहर में ही रहने वाले होंगे, मुझे जैसे अंदाजा है। और बाकी जितने भी सहूलियात आ जाएं, जितने भी आ जाएं ना शहरों में, लेकिन वैसे फिर भी गांव की ज़िंदगी से वो मुख्तसर है। गांव की ज़िंदगी जो है बहुत ही अनोखी लाइफ होती है, माशाल्लाह हर एक चीज़ बंदा अपनी मर्ज़ी से करता है, दिल जो है खुश होता है गांव में आकर माहौल देखकर। और तकरीर जो है वो लंबी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह बाकी की डिटेल जो है वो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। ये देखें जी, एक तो कुर्सी पर बैठी है, दूसरी जो है ऐसे पड़ी है जैसे फ़कीर आए होते हैं। खैरियत है? पता नहीं, मैं बैठी थी, आकर बैठ गई, मैं पूछ रही हूँ, पता नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया। कुर्सी लेकर दे देते आप, कुर्सी पे बैठ जाते। कहा है, कहती है नहीं मुझे नहीं बैठना, मैं ऐसे सही बैठी, पता नहीं क्या हो गया। क्या बात है मैडम जी, खैर है? तबीयत ठीक नहीं है। वो फिर क्या मसला बन गया तबीयत के साथ? पता नहीं, कल जो ना वो हाथ पर कपड़े धोया है ना, वो बुरश लगाया है, पता नहीं बहुत ज़्यादा कपड़े थे, वही हाथ पर धोया है, ऊपर से बहुत सारे बादल बन गए थे, इसलिए हमने सोचा हाथ पर धो लें। वो कपड़े वगैरह धोया है ना, उस वक्त का ना बहुत सारे मतलब तकलीफ़ हो रही है।
कमर में भी दर्द है, जैसे कि कल मैंने बताया, मैंने कहा कि शायद बारिश में जाती हूँ ना, इस वजह से कमर में दर्द है। तो आज तो बारिश नहीं है ना, बहुत ज़्यादा कमर में भी दर्द है और आगे से ना इस तरफ से ना बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए यहाँ पर आके बैठ गई हूँ मैं। कितनी इधर नीचे शायद बैठूँ सुकून आ जाए, इसलिए पड़ी हुई हूँ। नीचे नहीं बैठते अब, देखे आप अच्छी लग रही है नीचे, वो देखे कुर्सी पर बैठी है। वो तो पहले बैठी हुई थी छांव पर, मैं आकर इधर बैठ गई, उधर से आ रही थी तो चक्कर आने लगे, फिर इधर आके बैठ गई। तकलीफ होती है? हाँ, वो जब से कपड़े धोए हैं ना उस वक्त से ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कपड़े हाथ पे क्यों धोए थे फिर? नहीं, वो मशीन वगैरह नहीं चलती थी ना, बच्चे के कपड़े पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए हाथ पर धोए है। तो कल तो महसूस भी नहीं हो रहा था, आज सुबह का ना चाय बनाई है उसके बाद कोई काम भी नहीं होता। रिजवाना और जहरा ने काम किया है और मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे सोई रही। अभी उठ के आई हूँ तो बस चक्कर आने लगे, इधर आके बैठ गई थी। जा, जितना भी कपड़े हों जब तक धूप ना निकले मशीन पे धोने, हाथ पे नहीं धोने। मैंने पहले भी आपको बोला था, फिर आप ऐसे वो बॉस लगाने लग जाते हैं, जाहिर है तकलीफ तो होगी। अब क्या करूँ आपके साथ? मतलब आपने सुबह झाड़ू लगाया था? नहीं, बोला है ना सुबह का कुछ भी नहीं काम हो रहा। चलो आप इसके एहतियात, पहले तो उठे आप, अंदर चले, उठे। नहीं उठा जाता यार, उठे तो सही। आप इतना भी टांगे तो नहीं टूटी, उठे तो सही। किधर जाऊं? अंदर चले, चारपाई पे सो जाए। उठे, इसको उठाओ। तबीयत खराब है, फिर बाहर पड़ी है, देखिए काम चेक करें इसके। हाँ जी अम्मी। हाँ जी। ये सोई हुई है, कसर उठाएं? हाँ उठाती हूँ। दवाई लेने चलते हैं। कौन सा उठें, दवाई लेने चले? कैसी है तबीयत? अभी वैसे ही है। अभी बस वैसे तकलीफ है। चलो उठें फिर दवाई लेने। आ जाए दवाई लेने चले। मैं अभी अभी घास निकाल के आई हूँ, इरफान ने कहा है तबीयत ठीक नहीं है, दवाई लेने चल गया। अल्लाह ताला खैर करे। इसे पकड़ के लाए अम्मी, ये कहती है चक्कर आते हैं, फिर घर ना जाए। नहीं नहीं, हाँ जी आ गए, चले चले। हाँ ये बाइक भी रेडी है, अभी मैं खुद जा रहा हूँ दवाई लेने, क्योंकि अबू जाफर ये नहीं होते जी। चलते हैं, गर्मी भी बन रही है जल्दी से। हाँ अरे धूप निकल रही है, फिर 2 बजे बारिश का बोला है, फिर बारिश ना आ जाए। जल्दी जल्दी हो आए फिर। तैयारी बन चुकी है, अभी हम बैठ रहे हैं बाइक पे। कौशल की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप सब ने दुआ करनी है। चले बैठे हम, इसको बैठा है, बैठो। गर्मी भी बन रही है, ऊपर से धूप है, और बाइक पे जाना जो है बहुत ही मुश्किल काम है। अब 2 बंदे बैठ जाएंगे सुकून से, बस गुजारा हो जाएगा, क्या करें, जाना तो है ना। हाँ वो यही तो मसला है ना, इसलिए सवारी का खुद, क्योंकि तकलीफ होती है ना सेंटर वाले बंदे को। हाँ जी। और कौशल जो है ओ आधा नपीच गया ना बंदा, बस ऐसे गर्मी हो जाती है। चलें दुआ करने आप सब ने, और कौशल परेशान नहीं होना, अल्लाह खैर करेगा, कोई परेशान नहीं, अल्लाह ताला छुपा दे। ये थोड़ी बहुत तकलीफ होती रहती है ना हमें, ये बस थोड़ी बहुत ही राय नहीं है कोई। चले सही है जी, माशाल्लाह, फिर हम चलते हैं दवाई लेना।